नमस्कार, शादी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गणेश विसर्जन में शिवसेना की राजनीति, कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र की कामना। नागपुर सिकंदराबाद के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल होगा इसी साल शुरू। विदर्भ में पिछले तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर जनजीवन हुआ प्रभावित। आपके दो सांसद और आठ विधायक तोड़ सकते हैं पार्टी केजरीवाल से बनाई दूरी। और उत्तर भारतीयों को रिझाने में जुटी शिवसेना, हिंदी भाषी नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार से। सीडी के नेता होटल के कमरे नंबर 201 में एक महिला, एक लड़की और एक लड़का की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि ये तीनों उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के रहने वाले हैं। सीडी के नीता होटल के कमरा नंबर 201 में एक महिला, एक लड़की और एक लड़का, तीनों की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि ये सब साथ ही होटल में रुके थे। 6 सितंबर को यह चार लोग सीडी आए। यहां आकर संतोष मौर्य नामक व्यक्ति ने नीता होटल के कमरा 2-3 के लिए बुक कराया था और आज सुबह होटल के काउंटर पर आकर उसने खुद जानकारी दी कि मेरी बीवी ने नींद की गोलियां खा रखी है। इसके बाद पूरा मामला सामने आया कि होटल के कमरा नंबर 201 में तीन लोगों की मौत हुई है। इस घटना में मरने वाले सभी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के जरही गांव के रहने वाले हैं। वही होटल से सीडी पुलिस को इतला करने के बाद सीडी पुलिस ने संतोष मौर्य इस शख्स को हिरासत में ले लिया है। पूसद और ढागरी बीटर गांव में बप्पा के आगमन के साथ ही बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते वहां के लोगों ने अन्नदान, महाआरती और महाप्रसाद के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की। वही भव्य तरीके से गणेश विसर्जन का आयोजन भी किया गया। पूसद व ढागरी बीटल गांव में विघ्नहर्ता गणेश के आगमन के साथ ही बारिश शुरू हो गई, जिससे वहां के लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। वहां के लोगों का मानना था कि गणपति के आगमन के साथ बारिश आई, जिससे यहां की सारी संकट दूर हो गई। जिसके बाद वहां के लोगों ने बप्पा की खूब पूजा अर्चना की और महाप्रसाद का आयोजन भी किया। वही पूजा के साथ लोगों ने महाआरती और अन्नदान का विशेष आयोजन भी किया। 10 दिनों के गणेश उत्सव के बाद लोगों ने बप्पा को ढोल ताशों के साथ विदाई दी। वही रथों को सजाया गया और रथ में बैंड और डीजे के साथ लोगों ने भगवान गणेश का विसर्जन किया। यह पूरा विसर्जन पुलिस बंदोबस्त के साथ किया गया। वही वहां के मंडल के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ डीजे पर डांस करते हुए बप्पा को विसर्जन के लिए ले गए। साथ ही किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना घटे, जिसके लिए एपीआई और पीएसआईएसएम के अधिकारी वहां मौजूद थे। अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र पर चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव का यह रंग गणपति विसर्जन के दौरान भी देखने को मिला। महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी पार्टी शिवसेना ने गणपति बप्पा के विसर्जन के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस मुक्त राज्य बने, इसकी प्रार्थना की। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखी संपादकीय में पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि गणेश जी से यही हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है कि महाराष्ट्र कांग्रेस मुक्त राज्य बने। इसमें लिखा गया, इलेक्शन के दौरान राज्य के लोगों को बुद्धि दीजिए, इसलिए नहीं कि हमें सत्ता चाहिए बल्कि कांग्रेस से हो रही तकलीफें दूर हो। शिवाजी का महाराष्ट्र एक बार फिर चमके और मराठी मानुष के खुशी के दिन एक बार फिर लौट आए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अक्टूबर में हो सकते हैं, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इस वर्ष के अंत तक 8 और रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इनमें नागपुर सिकंदराबाद के अलावा दिल्ली कानपुर, दिल्ली चंडीगढ़, चेन्नई हैदराबाद व मुंबई गोवा अन्य रूट शामिल है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने यहां यह जानकारी दी कि उन्होंने कहा है, हमने दिल्ली आगरा के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन के 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल रन में सफलता हासिल की और अब अन्य चिन्हित खंडों में भी इस साल के अंत तक इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। रेल मंत्री ने आगे कहा कि रेलवे में 100% FDI से बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी रेलवे ने FDI को आकर्षित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली आगरा रूट पर 10 कोच वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल इसी वर्ष जुलाई में शुरू किया जाएगा और इस वर्ष नवंबर तक यह सेवा व्यावसायिक रूप से शुरू कर दी जाएगी। रेलवे ने 9 खंडों में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। सोलापुर जिले के उज्जैनी डैम पूरी तरह भर जाने के कारण अतिरिक्त पानी को भीमा नदी में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से भीमा नदी भी उफान पर आ गई है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोलापुर जिले के उज्जैनी डैम में पानी भरने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। डैम में पानी बढ़ने से अतिरिक्त पानी को भीमा नदी में डाला जा रहा है।
वहीं भीमा नदी में बाढ़ की स्थिति आने से आसपास के छोटे घर और मंदिर डूब गए हैं। वहीं आसपास के 11 गांवों को प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं बात करें उज्जैनी डैम की तो कल शाम तक यह डैम 110% भर गया, जिसके बाद इसके 16 दरवाजे खोलने पड़े। वहीं भीमा नदी में 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से बाढ़ की स्थिति आ गई है, जिसकी पूरी चर्चा ली हमारे संवाददाता मुदेश्वर शेख ने। सोलापुर उजनी धरण आता 100% फुल्ल भरलेलं आहे, त्यामुळं भीमा नदीमध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी सोडण्यात येत आहे। गेल्या 8-10 दिवसापूर्वी हीच नदी कोरडी होती, तिथं प्यायला पाणी नव्हतं, तेच आता दुथडी भरून वाहत आहे, त्यामुळं नदीकाठच्या गावांना पुराचा धोका निर्माण झालेला आहे। अशीच परिस्थिती राहिली तर भरपूर शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे। पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश में विदर्भ के कई जिलों में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सारे जिलों में नदी नाले व अन्य जल स्रोत उफान पर हैं। चंद्रपुर के 11 जल भंडारों में से 4 भंडार 100% भर गए हैं। पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश में विदर्भ के कई जिलों में जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती और वर्धा जिलों में नदी नाले व अन्य जल स्रोत उफान पर हैं। करनी नदी में बाढ़ आने से गढ़चिरौली नागपुर मुख्य मार्ग बंद हो गया है। चंद्रपुर के 11 जल भंडारों में से 4 भंडारा 100% भर गए हैं। इनमें चढ़ाई डैम, चारगांव डैम, लवान सराट डैम, दीना डैम शामिल है। पर्लकोटा नदी में पानी कम न होने से यह मार्ग अब तक बंद है। एटापल्ली शहर के आनंद नगर व लिंगा टोला वार्डो में करीब 30 नागरिकों के घरों में पानी घुस गया है। वही वर्धा के 8 में से 4 तहसीलों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। विदर्भ के विभिन्न जिलों के जल प्रकल्प ओवरफ्लो हो गए हैं, जलाशयों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, कई नदियां उफान पर हैं। गढ़चिरौली जिले में आहोरी के पास उफनी हुई दीना में कई वाहन डूब गए हैं। औरंगाबाद के तनवणी मित्र मंडल द्वारा वहां के लोगों को पिछले 4 वर्षों से मुफ्त में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए इस मंडल का नाम वर्ल्ड अमेजिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में दर्ज कराया गया। वहीं वहां के शिवसेना विधायक किशन चंद तानवी को सम्मान पत्र और पदक देकर सम्मानित किया गया। रेकॉर्ड्स वर्ल्ड इंडिया रेकॉर्ड यांनी घेतली, त्यांनी मानपत्र आम्हाला दिलं, अभिमान वाटतो। माननीय शिवसेना प्रमुखांनी जे आम्हाला शिकवून दिले, 80% समाजकारण, 19% राजकारण, त्यातूनच 2011 जेव्हा मराठवाड्यात दुष्काळ पडला होता आणि जी फार मोठी टंचाई होती आमच्या शहरात, त्यावेळेस आम्ही हा प्रोजेक्ट चालू केला होता। 2001 प्युरिफायर वॉटर करून आम्ही एक प्रोजेक्ट टाकला होता, त्याची मागणी आम्हाला वाढत गेली व जवळपास आज 1 लाख लिटर रोज आम्ही प्युरिफाय करतो पाणी, व या शहरातलं जवळपास 4-5 हजार फॅमिलीज आणि 25,000 लोक नागरिक पाणी पितात, पिअर प्युरिफाय पाणी आहे आमचं। आणि अजूनही माझा मानस आहे की हर्सूलमध्ये आमची बीर महानगरपालिकेची, तिथेही हा प्रोजेक्ट लावायचं, वेगवेगळ्या ठिकाणी असा हा प्रोजेक्ट लावायचं माझा मानस आहे। या दृष्टिकोनानं माझे प्रयत्न चालू आहेत। शिवसेना प्रमुखांनी जी शिकवण दिलेली आहे आम्हाला 80% समाजकारण, त्यातूनच आम्ही हा काम करतो, हे काम आम्ही करत असतो। शहराला शुद्ध पिअर कॉरी प्युरिफाय पाणी मिळावं या दृष्टिकोनाने मी माझा पक्ष प्रामाणिकपणे आम्ही प्रयत्न करू, 100% या शहराला प्युरिफाय पाणी देऊ असं मी या ठिकाणी खास करून उल्लेख करतो। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद और 8 विधायकों ने अरविंद केजरीवाल से दूरी बना ली है। सूत्रों के मुताबिक ये नेता आप से अलग अपना गुट बनाने पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 नेता पार्टी में मीडिया से जुड़े लोगों के हावी होने से खफा है। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद और 8 विधायक ने अरविंद केजरीवाल से दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि 10 नेता पार्टी में मीडिया से जुड़े लोगों के हावी होने से खफा हैं। आपकी एक सांसद ने कहा है कि पार्टी में संगठन जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की भूमिका को सवालों के घेरे में ले लिया है।
केजरीवाल के मुताबिक जंग चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने, लेकिन आप बीजेपी को रोकने के लिए जुटी हुई है। वहीं अरविंद ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए सबसे बातचीत हो रही है। वहीं केजरीवाल ने धमकी दी है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सड़कों पर उतरेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि हम पूरी दिल्ली में आंदोलन करेंगे। बीते लोकसभा चुनाव में मुंबई व आसपास के इलाकों के उत्तर भारतीयों का वोट हासिल करने वाली शिवसेना विधानसभा चुनाव में उत्तर भारतीयों को टिकट तो नहीं देना चाहती, पर उनके वोट जरूर चाहती है। इसलिए हिंदी भाषी नेताओं को हिंदी भाषियों से जोड़ने की मुहिम शुरू करने की जिम्मेदारी दी है। सैलाब से तबाह कश्मीर में सेना और एनडीआरएफ की टीम ने ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर में अब तक 23,000 लोग बचाए गए हैं, हालांकि कई इलाकों में अब भी लोगों के फंसे होने की खबर है। मोदी सरकार के साथ साथ गुजरात सरकार के भी 100 दिन पूरे हो चुके हैं। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर गुजरात में ही रहेंगे। गणेश विसर्जन में शिवसेना की राजनीति, कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र की कामना। नागपुर सिकंदराबाद के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल होगा इसी साल शुरू। विदर्भ में पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर जनजीवन हुआ प्रभावित। आपके 2 सांसद और 8 विधायक तोड़ सकते हैं पार्टी केजरीवाल से बनाई दूरी। और उत्तर भारतीयों को रिझाने में जुटी शिवसेना, हिंदी भाषी नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।